गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टाइम में हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ लिया था और उसके पहले एक टॉपिक पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस और उसका फार्मूला आया था म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इक्वल म्यू माइनस वन अपॉन आर, वेयर म्यू था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v था डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, u था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फार्मूला, या हम कह लें फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस का फार्मूला। इसको लेंस मेकर फार्मूला इसलिए कहा गया है क्योंकि जो फार्मूला हम लोग डेराइव करेंगे उसकी हेल्प से हम लोग जो आँख में लेंस यूज करते हैं वो हम मतलब उसको हम बना सकते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं लेंस। यहाँ पे दो कॉन्वेक्स सरफेस है तो फर्स्ट वाले सरफेस की बात करेंगे तो इस फार्मूले से एक रिलेशन है, ये फार्मूला एक बार सेकंड सरफेस के लिए लगाएंगे तो एक रिलेशन है, उन दोनों से हम लोग एक फार्मूला डिराइव करके आएंगे उसी को बोलते हैं फोकल लेंथ ऑफ अ थिन लेंस। तो सपोज करिए कि इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखता है, वो इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, ये P1 इस O का इमेज बनाए, क्योंकि यहाँ पे P2 अवेलेबल है तो उस इमेज में को P2 ये इफेक्ट करे। तो जब हम P1 के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये सपोज कर लेंगे कि P2 इज अब्सेंट, यानी यहाँ पे P2 अवेलेबल नहीं, सपोज करें तो O से एक नहीं लेंगे तो ये इसका नॉर्मल, और नॉर्मल कहां से जाएगा इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब सपोज दैट P2 इज अब्सेंट, अगर ये P2 ना हो तो O जो है यानी जो इवन सरफेस O का वर्चुअल इमेज कहां बना देगा, आई गेस ये आई गेस आगे भी बन सकता है और पीछे बन सकता है, क्लियर, बात समझ में आई। अब सपोज कर लिया P1 से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u है, P1 से इमेज की डिस्टेंस v है और P1 P2 सेम मटेरियल के तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका u, ये फार्मूला जो अप्लाई करेंगे और फर्स्ट सरफेस पहले करके और फर्स्ट सरफेस तो आप बताइए क्या आएगा यहां से, म्यू अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, वी की जगह क्या रखते हैं वी माइनस म्यू माइनस वन अपॉन, यहाँ पे आर की जगह क्या रख दिया, आर आर वन इज द एरिया या कर्वेचर और फर्स्ट सरफेस, और सेकेंड की बात करेंगे तो आर्टी यूज कर लेंगे, ओके। अब लेकिन यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट ये है, आप कहोगे सर पी क्यू तो यहाँ है ऐसा तो नहीं कि नहीं, तो जब ये P2 होगा तब क्या इफेक्ट पड़ेगा इसके इमेज, तो आप ये कहेंगे कि ये जो I डैश है वो सेकेंड सरफेस के लिए एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हियर करेगा, वास्तव में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हियर नहीं, लेकिन P1 ने O का इमेज बनाया I डैश तो P2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, I डैश। तो P2 के लिए जो ऑब्जेक्ट I डैश होगा तो P2 इसका रियल इमेज बना देगा कहाँ पर, क्लियर, और P2 से इस रियल इमेज की डिस्टेंस कंसीडर कर ली कितनी है b,
अब हमने कहा फॉर सेकेंड सरफेस, अब ऊपर वाला फार्मूला हम सेकेंड सरफेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या है तो यहां पे एक चीज है इसके आगे के रिजल्ट बता।